हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NVCC की कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में जो भी मेरी स्टडी और एनालिसिस है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस है। ट्रेड करने से पहले जो अपनी स्टडी और एनालिसिस कर लें। तो आज हम जो NVCC की स्टडी करने में आप लोगों का मदद करेंगे कि इस स्टॉक का जो फाइनल बॉटम है कहाँ पे बन सकता है और यहाँ से इस स्टॉक पे कैसा व्यू देखा जा सकता है और किस तरीके से बॉटम आउट होने का पैटर्न डेवलप होगा। तो इस स्टॉक का जो हमने बोला है कि निफ्टी में मार्च तक करेक्शन रहेगा, तो अब इस सेशन में एक्चुअली मार्च तक बाजार गिरेगा, तो ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक लगातार कंटिन्यू फॉल करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट में ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे एक रेंज बन जाएगा और उस रेंज में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जितना भी पुराना लॉस है आप रिकवर कर सकते हैं। ये टाइम जो होता है पेशेंस का होता है और पेशेंस के साथ साथ लेवल का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज आपके पास है तो उसी स्टॉक से एवरेज करके एक रेजिस्टेंस पे सेल करके सपोर्ट पे बाई करके जो भी आपका पॉइंट लॉस हुआ है उस पॉइंट को लॉस को रिकवर कर सकते हैं। मंदी जो आती है इसी पर्पज से आती है कि ये टाइम बींग अगर आपको पता है कि इस स्टॉक का इस टाइम बींग में इस ये रेंज रहने वाला है, उसी रेंज में उसको ट्रेड कर करके जो भी आपका पुराना जो 20-30 पॉइंट का ऐसे स्टॉक में अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिकवर कर लीजिए और फिर से मार्केट चले तो आप उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पर्पज से बने रहें, जिससे कि अगर उस तेजी में वो स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर नीचे भी जाएगा तो आपको जो पुराना लॉस है वो आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। तो इसमें चांसेस होता है इस पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके चांसेस है कि आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये जो टाइमिंग है ओनली फॉर पेशेंस वाले को ही मार्केट रिवार्ड देता है और इस पैनिक में जो रिस्क लेता है और पेशेंस के साथ ट्रेड करता है, स्टडी के साथ ट्रेड करता है, वही पैसा बना सकता है। तो NVCC का जो गिरावट हुआ है, बहुत ऊपर के लेवल से गिरावट हुआ है, उस समय 81-82 के लेवल पे मैं कंटिन्यू बोल रहा था कि ये स्टॉक 62 रुपीज तक का फॉल हो सकता है और वहां से भी हम निचले लेवल पे आए हुए हैं। तो इस पूरे ऑर्बिट का जो टारगेट था 49 रुपीज का टारगेट है, ये 49 रुपीज का टारगेट अगर है तो वहां से 1-2 रुपया ऊपर या नीचे का एक बॉटम बनाकर के स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद हो सकती है इस हफ्ते। तो इस हफ्ते का जो टारगेट है वीकली टारगेट अगर देखा जाए 52 रुपीज के नीचे फिसलता है तो इस स्टॉक का जो टारगेट है 49 और 47 रुपीज तक जाएगा और वहां से कंटिन्यू फॉलोअप बाई आएगी और 52 रुपीज के ऊपर या 55 के ऊपर निकलता है तो ऊपर के रेंज में 56 तक जाने के चांसेस होगा और उसके ऊपर नेक्स्ट वीक उसके बाद वाले वीक में 62 रुपीज तक भी तेजी आ सकती है। तो इस स्टॉक का जो रेंज रहने वाला है 1-2 महीने का, ऊपर के रेंज में 62 रुपीज और नीचे के रेंज में 49 रुपीज। तो यहाँ पे अगर आप निचले लेवल पे बाई करते हैं, ऊपर के लेवल पे सेल करते हैं तो इस रेंज में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट या जो भी पुराना लॉस है उसको रिकवर करने के चांसेज है। रेजिस्टेंस पे सेल करें और सपोर्ट पे बाई करें। एक्चुअली होता क्या है कि 62-64 जाने लगेगा तो सारे एनालिस्ट या सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो और एवरेज बाइंग करते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि और भी ऊपर जा सकता है इसलिए मेरा लॉस रिकवर हो जाए और फिर वहीं से स्टॉक गिर जाता है। अगर आपने 80 रुपीज में स्टॉक लिया है तो यहाँ पे आपको बाई करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं होगा, लेकिन ये स्टॉक 60 के ऊपर निकलेगा तो आपको लगेगा कि यहां से ब्रेकआउट हो रहा है, इस स्टॉक को यहां से बाई कर लो। आप वहां बाई करोगे फिर से वहां से स्टॉक 10 रुपए नीचे आ जाएगा, फिर आपको जो पुराना लॉस था वो एज इट इज रहेगा और फिर एक नया लॉस एड हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में पैसा लोग लूज करते हैं। तो इसलिए मेरा जो एनालिसिस है, हमारी जो पुराना हर वीडियो में मैं व्यू शेयर करता हूं, जो स्टॉक ऑलरेडी इतने बढ़े चढ़े थे उनमें स्टॉकों पे मैं व्यू बिल्कुल भी नहीं दिया करता था, अवॉइड करता था इसी पर्पज से, क्योंकि जब बाजार आपको डिस्काउंट सेल जब लगेगा तो आप वैसे स्टॉकों को ऑलरेडी ज्यादा लॉस बुक करेंगे और ऐसे स्टॉकों में जहां पे इन्वेस्टमेंट बाइंग किया सकता है वहां पे आप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। तो ये बाजार का गेम है, इस गेम को समझने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि NVCC का हाई लो स्विंग एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस स्टॉक का जो हाई था उसके बेसिस पे अगर इसे गैन एंगल समझना कंपलसरी है और इसके बेसिस पे जो
जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, अगर 52-53 का जो लो है इसी लो से अगर बाउंस आता है तो 59 और 63 रुपीज तक जा सकता है। लेकिन वर्स्ट के सिनारियो में अगर 49 का लो बनता है, मान लेते हैं कि 49 रुपीज का लो बनता है, तो हम इसमें तेजी जो देखेंगे 56 और 61 रुपीज की तेजी देखेंगे। और ये तेजी जो है कब कंफर्म होगा, जो भी लो पॉइंट से 45 डिग्री ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम इसका 180 डिग्री का टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। यहाँ पे 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पे टॉप आउट करने की कोशिश करेगा, फिर से नीचे की तरफ ट्रेंड डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रेड अगर आप करते हैं इस स्टॉक में तो अच्छा खासा अपना लॉस रिकवर करेंगे। या कोई भी नया निवेशक इस स्टॉक पे अगर बुलिश है, उसको बाई करना है, तो बाई भी कर सकता है 49 रुपीज के आसपास से। अगर 52 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 60 रुपीज के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा NBCC पे कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब कराएं चैनल को, जिससे कि मैं और भी स्टॉकों पे इसी तरीके से व्यू देता रहूं एक ट्रेडिंग रेंज में। मैं अभी आप इसको इस वीडियो में आपको NBCC के टारगेट के साथ साथ मैंने एक समराइज व्यू दिया कि अगर हर स्टॉक का अगर आपको ट्रेडिंग रेंज पता हो, और मान लेते हैं कि आपके पास 1000 स्टॉक या 2000 स्टॉक या 10000 स्टॉक उसमें होल्डिंग बना के रखा है और हेवी लॉस हो रहा है, तो उसका 25% क्वांटिटी में इस ट्रेडिंग रेंज में अगर प्रॉफिट ट्रेड करते हैं अगले मार्च तक या जनवरी तक, अगर 3 से 5 महीना अभी बाजार मंदी में रहने वाला है, इस मंदी में अगर रेंज पकड़ करके ट्रेड करते हैं, ऊपर के लेवल पर सेल करके अपनी ही क्वांटिटी को नीचे बाई करते हैं, तो एवरेज आउट करके आप इसको लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लॉस रिकवर होने के बाद आपको जब बुल रन स्टार्ट होगा, जब तेजी का बाजार आएगा, तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आपने जो पहले के रेट पे बाई किया उसी रेट पे आने के बाद उस स्टॉक में हैंडसम प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो ये रहा हमारा एनालिसिस। अगर आपको किसी और स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो आप इस वीडियो के अंत के कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।